मुझे एहसास है ये पल पल रहा है कि मेरे सर से सूरज ढल रहा है। इस गीत के माध्यम से कहीं ना कहीं समय की इम्पोर्टेंस की बात की है, हमें ये समझाने की कोशिश की है कि समय का महत्व क्या है। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। गुलजार बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म संवेदनों को भी पकड़ते हैं और शब्दों को भी पकड़ते हैं। प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़ जी को। आप देख रहे हैं वीडियो सीरीज गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी हिंदी फिल्मों के वो गीत जिनमें हम तलाश कर रहे हैं छिपे हुए अध्यात्म की। इस प्रोग्राम की संकल्पना डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। पिछली बार हमने शकील बनायू के लिखे गीत ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे उसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। पुराने हिंदी फिल्मों के गीत जिनका आध्यात्मिक संबंध है उन्हें समझने के लिए मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक राग और दूसरा गीत। अधिकांश पुराने संगीतकार और गीतकार संगीत की ओर प्रवृत्त, काव्यात्मक और रोमांटिक थे। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई से संगीत को लिखा और बनाया और वे अत्यधिक रचनात्मक और प्रतिभाशाली थे। ऐसे ही गहरे एहसासों और जिंदगी के हर रंग को शब्दों में पिरो देने वाले जादूगर का नाम है गुलजार, जो बेहतरीन नज्मों, गजलों और शायरी के अलावा लीक से हटकर फिल्मों के भी शिल्पकार हैं। उनका कहना है, जी हाँ, उनका कहना है, परख से परे है ये शख्सियत मेरी, परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। लोग कहते हैं रात में ओस गिरती है, लोग कहते हैं रात में ओस गिरती है, हमने तो फूलों को अकेले में रोते देखा है। गुलजार की कलम का जादू कभी गोरे रंग की परतें पलटता है तो कभी दिल को बच्चा बना देता है। आरजुओं को कमीना कह देने का अंदाज भी जोरदार तरीके से गुलजार जैसे गीतकार ही पेश कर सकते हैं। एक ऐसा गीतकार जिनकी कलम से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं जैसे बोल जन्म लेते हैं तो कभी चड्डी पहन के फूल खिलता है। किस तरह गुलजार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे वे सफल हुए, इस बारे में तो पिछले एपिसोड में आपसे काफी कुछ शेयर कर चुका हूँ, काफी चर्चा कर चुका हूँ। आज कुछ हल्के फुल्के किस्से बयां करना चाहूंगा। जी हाँ, एक बार मुंबई में एक बुक रिलीज फंक्शन में राइटर जावेद अख्तर और गुलजार दोनों शामिल हुए। कार्यक्रम में गुलजार और जावेद अख्तर ने एक दूसरे से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाए, मतलब एक दूसरे की टांग भी खींची। जावेद अख्तर ने कहा, भाई कई बार लोग उन्हें गुलजार समझ लेते हैं। एक बार शबाना और जावेद अख्तर एक एयरपोर्ट पर थे, वे अपने सामान के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया, उसने शबाना आदमी को जावेद जी के पास बैठे देखा और फिर वो जावेद अख्तर जी के करीब आया और बोला, आदाब गुलजार साहब, आप एयरपोर्ट पर किसका इंतजार कर रहे हैं? जावेद अख्तर को झटका लगा क्योंकि वो शख्स जावेद अख्तर उनका फैन बता रहा था मगर उन्हें पहचान नहीं पा रहा था और गुलजार समझ बैठा था। जावेद अख्तर ने उसे जवाब दिया, भाई जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया हूँ। अब वो आदमी कंफ्यूज हो गया कि इतना बड़ा आदमी यानी गुलजार जावेद अख्तर को रिसीव करने आया। फिर जावेद अख्तर ने आगे कहा, अब मैं हमेशा आता हूँ जावेद अख्तर को रिसीव करने। उनकी ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर काफी निराशा थी, मायूस नजरों से उसने कहा, चलता हूँ गुलजार साहब। ये किस्सा सुनकर फंक्शन में आए दर्शकों के बीच हंसी का फव्वारा फूट पड़ा था। इसके बाद गुलजार साहब ने कुछ दिलचस्प किस्से और बयां किए। उन्होंने जावेद अख्तर से कहा, आपने तो गाना लिख दिया था कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लेकिन हर अंतरे में मुझे लगता है कि शबाना आदमी को नहीं, किसी दूसरी लड़की को देखा था आपने। और जब आपने लिखा था कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा लगा, आप बड़े गंभीर हैं, घर की बात कर रहे हैं। लेकिन घर की है या बाहर की ये तो आप ही बेहतर जानते हैं जावेद साहब, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा गुलजार के सेंस ऑफ ह्यूमर का। गुलजार के विषय में और भी चर्चा करेंगे पर उसके पहले उनके लिखे गीत आने वाला पल जाने वाला है में ढूंढते हैं छिपे हुए अध्यात्म को। फिल्म का नाम है गोलमाल। हर बार की तरह डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आउटी हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम में बतौर गायक भाग ले रहे हैं मराठी रंगमंच के मशहूर अभिनेता और नाट्य संगीत के आराधक उपासक ज्ञानेश पेंढारकर जी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जो आधारित है डॉक्टर सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर।
और आज हमारे साथ एक बार फिर शामिल हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी स्टूडियो में, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो सुनते हैं आज का गीत। जी सुनील जी, गीतकार गुलजार जी ने इस गीत के माध्यम से कहीं ना कहीं समय की इम्पोर्टेंस की बात की है, हमें ये समझाने की कोशिश की है कि समय का महत्व क्या है। क्या कहेंगे आप? साफ है, पल ये जो जाने वाला है, यानी पल पल समय गुजर रहा है, और अगर इस गुजरते हुए समय की अहमियत हमने समझ ली तो फिर हम इन टोटेलिटी उस समय के महत्व को भी समझ जाएंगे, और समय के महत्व के साथ साथ हम जीवन को भी समझ जाएंगे। और यही वो कहना चाहते हैं कि ये जो पल गुजर रहा है, इस पल की भी अपनी अहमियत है, यही बात है। बहुत सुंदर सुनील जी, आइए सुनते हैं आगे की लाइनें। एक बार यूं खिली मासूम सी कली, एक बार यूं खिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहां खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशपाश मैं चली, यहाँ पे खुशपाश का मतलब क्या है सुनील जी? गुलजार बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म संवेदनों को भी पकड़ते हैं और शब्दों को भी पकड़ते हैं, और कई बार शब्द का वो सीधा अर्थ भी नहीं होता। अब यहाँ दो शब्द बनते हैं, एक पाश और एक बाश। आपने नाम सुना होगा ना, अमीर कजल बाश। तो बाश एक फारसी का शब्द है, और उस बाश का अर्थ होता है देने वाला, खुशी देने वाला। तो अब पाश में है छिड़कना, तो मासूम सी कली का चटकना क्या है? खुशी। और वो खुशी छिड़कते हुए, वो खुशी को दर्शाते हुए आगे बढ़ती है, ये शायद गीत का भाव हो सकता है, क्योंकि दोनों शब्द हैं, एक पाश भी है और एक बाश भी है, और पाश का अर्थ तो घेरा भी होता है, दो शब्द मिल जाते हैं तो बाहुपाश, बाहों में लेना है ना। तो जब वो कह रहे हैं कि खुश पाश, तो क्या खुशी को अपने बाहों में घिर रखा है कली ने? तो संकेत गीत में कुछ भी हो सकता है। चलिए सुनते हैं इस सुंदर गीत की आगे की लाइन। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है,
सुनील जी, वक्त, लम्हा, दास्तां कितनी खूबसूरती से पिरोया गया इस गीत में, जी क्या कहना चाहेंगे? बात यही है कि जब हम एक पल की पहचान नहीं कर पाते तो वो शायर कहता है ना कि मुझे एहसास है ये पल पल रहा है, मुझे एहसास है ये पल पल रहा है कि मेरे सर से सूरज ढल रहा है। तो एक एक पल गुजर जाता है, और जो आपने बात कही और हमने जो कहा था कि बहुत सूक्ष्म उसको पकड़ते हैं गुलजार, कि वहाँ दास्तां मिली, पल कहीं नहीं, एक घटना घटित होती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, और अगर वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो जिस क्षण वो घट गया तो आपको वो समय तो वहाँ से गुजर गया, लेकिन एक्सीडेंट मौजूद रहा, वो दास्तां बन गया, वो एक घटना घटित हो गई। लेकिन अब आप अगर उस समय को वहाँ ढूंढना चाहेंगे, उस पल को वहाँ ढूंढना चाहेंगे, तो पल तो आगे निकल चुका होगा। जैसे नदियाँ बहती रहती है तो कहते हैं ना कि आप फिर से उसी पानी में नहीं तैरते, क्योंकि वो तो प्रवाहित होकर आगे बढ़ गया। तो ऐसे ही वो जो पल था वहाँ, जिस पल में वो घटना घटित हुई, तो वो पल तो गुजर गया लेकिन वहाँ दास्तां रह गई। और वो दास्तां यही थी कि एक बड़ी घटना जिसका फसाना बनेगा, जिसकी कहानी बनेगी, जिसकी खबर बनेगी। तो ये बात वो कहना चाहते हैं कि दास्तां मिली, वो लम्हा कहीं नहीं, और पूरे उस वक्त में से केवल वो एक क्षण था जिसमें ये घटित हुआ, यही बात है। बहुत सुंदर सुनील जी, तो समय के इम्पोर्टेंस को हम सब समझे, और इसी के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। वेलकम बैक, पुनः स्वागत है आपका। सन 2013-14 की बात है, गुलजार ने किताब लिखी थी, नाम है ड्योढ़ी, जो कई छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, जिसमें गुलजार के तजुर्बे और एहसासों की खुशबू आती है। गुलजार का कहना है कि कहानियों के कई रुख होते हैं, वो गोल नहीं होती जो हर तरफ से एक सी नजर आए। कहानियां सामने सर उठाए खड़ी पहाड़ी की तरह हैं, जिस पर कई लोग चढ़ते हैं और पगडंडियां बनाते हुए गुजरते हैं। उनकी किताब ड्योढ़ी भी आपको कई पगडंडियों से लेकर गुजरी। ड्योढ़ी को गुलजार ने 8 हिस्सों में बांटा है, और हर हिस्सा शुरू होता है एक शेर से, जो कहानीकार गुलजार के साथ शायर गुलजार की कमी महसूस नहीं होने देता है। शुरुआत गुलजार ने दोस्ती से की है। किताबों से भी कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, किताबों से भी कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्त की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। दरअसल गुलजार ने भारत पाकिस्तान विभाजन को बहुत करीब से देखा है, और इस पर पहले भी काफी कुछ लिख चुके हैं, क्योंकि उनका खुद का बचपन भी सरहद के उस पार छूट गया था। ड्योढ़ी पुस्तक के कुलदीप नायर और पीर साहब वाले चैप्टर में गुलजार बताते हैं कि कैसे पीर साहब भी बंटवारे की खाई से नहीं बच पाए। गुलजार और कुलदीप नायर वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहे होते हैं, तो कुलदीप नायर उनसे कहते हैं, ऐसा किताब में लिखा है, ये सड़क अगर इसी तरह सीधी चलती रहे, ये सड़क अगर इसी तरह सीधी चलती रहे, न कोई वीजा पूछे, न कोई पासपोर्ट देखे, और मैं पाकिस्तान घूमकर आ जाऊं, तो क्या लूट लूंगा उस मुल्क का? लूटने वालों की ना तो इस मुल्क में कमी है ना उस मुल्क में, उन्हें बाहर से आने की जरूरत क्या है? गुलजार कहते हैं, ये दर्द न जाने कितने हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के जहन में होगा, लेकिन सियासत की लकीरें खींची तो किसे परवाह इंसानी जज्बातों की? आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं, बंद आंखों में रोज सरहद पार चला जाता हूं, ऐसा उनका कहना है। अब ये शेरी बयां करता है कि सरहद के दोनों तरफ के लोग किस तरह से अपनों से मिलने के लिए तड़प कर रह जाते हैं। गुलजार को बॉलीवुड के लिए गाने लिखते हुए आधी सदी से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। एक दौर में उन्होंने हिंदी फिल्मों के व्याकरण के बतौर निर्देशक नए सिरे से गढ़ा, नए अंदाज से उन्होंने फिल्में बनाई, हिंदी फिल्में। उनकी पहली फिल्म मेरे अपने हो या अन्य फिल्में जैसे इजाजत, परिचय, कोशिश, आंधी, माचिस या फिर हुतुतु, वो आपको शायद ही कभी निराश करते हैं। इन फिल्मों के जरिए गुलजार ने वो कहानियां कही जो शायद वो न कहते तो कोई न कहता। संवाद लेखक के रूप में गुलजार की फिल्म आनंद को कोई भुलाए भी तो कैसे भुलाए? गुलजार ने विशाल भारद्वाज के साथ जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड, हेलो जिंदगी, गुच्छे और पोटली बाबा सहित कई दूरदर्शन सीरीज के लिए गीत और संवाद लिखे। गुलजार अरुषि नाम की एक गैर सरकारी संस्था के साथ 35 साल से जुड़े हैं, जो विकलांगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और फैलाने के लिए काम करती है। वो हमेशा सार्वजनिक मंच पर अरुषि के बारे में बात करती है। उनका कहना है कि हम सभी का कर्तव्य जिम्मेदारी है
कि विकलांगों को अलग थलग करना बंद कर दें। उनका संदेश मजबूत और स्पष्ट है, विकलांगों का समाज के साथ समावेशन। अप्रैल 2013 में गुलजार को असम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 तक गुलजार ने कुल 36 पुरस्कार और सम्मान जीते हैं, जिनमें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, 22 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। मध्य प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2008 में ऑस्कर अवार्ड और 2010 में ग्रैमी अवार्ड और फाइनली 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शामिल है। कुदरत दिसिया, कुदरत सुनिया, कुदरत सब संसारा, कुदरत आकाशी पाताली, कुदरत सब भवसारा। एक प्रेमी की निगाह ही है जो प्रकृति को जब प्रेम में होता है इतनी खूबसूरती से देख सकती है। आशार मेरे युवान तो जमाने के लिए हैं, आशार मेरे युवान तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। हरे शजर न सही सूखी घास तो रहने दे, जमी के जिस्म पर कुछ लिबास तो रहने दे। तो बस गुलजार की इसी जानकारी के साथ आज के एपिसोड के अध्याय को यहीं करते हैं समाप्त। अगली बार खोजेंगे फिल्म प्रेम पर्वत के गीत ये दिल और उनकी निगाहों के साए, उसमें अध्यात्म। गीतकार हैं जानिसा अख्तर, आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मन से। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन।